Hello, future doctors of India, welcome back in the Mantra family. I'm Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. जब हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक टैगलाइन दिया था, लर्निंग एंड थिंकिंग. फर्स्ट यू लर्न देन थिंक अबाउट इट. व्हेन यू थिंक अबाउट योर लर्निंग कॉन्सेप्ट देन इट विल प्रोवाइड यू द न्यू डायमेंशन ऑफ अ लर्निंग. द न्यू डायमेंशन ऑफ लर्निंग प्रोवाइड यू द न्यू डायमेंशन ऑफ अ थिंकिंग. सो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो एक सिक्वेंस में फ्लो होता है. क्लियर? सो that's the purpose and that's the way of us, that should be a way of our study. Okay, knowledge ka knowledge gain karne ka ek only purpose sirf aur sirf sirf money earn karna aur ek achhi rank lena aur ek achhi position pe jana nahi hai. knowledge ka actual purpose hota hai, knowledge ka jo actual purpose hai uska actual purpose hai ki jisse aap ek naye ayams ko, naye dimensions ko generate kar sake, ek naye thinking power, naye soch ko generate kar sake. you can think out of the box, you will be able to think out of the box. okay, because aan to ek uneducated person bhi kar sakta hai, लेकिन वो अनएजुकेटेड पर्सन भी अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए, ओके, अपने अर्निंग के लिए एजुकेटेड लोगों पे ही डिपेंडेंट होता है. बिकॉज दे नो कि एजुकेटेड पर्सन ही नए लर्निंग के आयाम जनरेट कर सकता है. दैट्स अ पावर ऑफ ए नॉलेज. सो दैट बिलीव इन अ नॉलेज, बिकॉज नॉलेज ओनली विल गिव यू द न्यू डायमेंशन ऑफ ए लर्निंग, न्यू डायमेंशन ऑफ ए थिंकिंग. एंड जैसे आपके लाइफ में कोई भी चैलेंज आए, आप उनको ओवरकम कर सकते हैं. ओके, सब कुछ कंटिन्यूस चलता है, कोई सडनली ना मिरेकल होता है एंड ना ही कोई सडन कोई अपीयरेंस होता है. ओके, एवरीथिंग इज अकर इन ए कंटिन्यूस मोड. सो आगे चलते हैं. आज हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर सीलिया एंड फ्लेजेला एंड सेंट्रियो. हमारा जो लेक्चर 12 था, लेक्चर 12 में हमने बेसिकली स्टडी किया था प्लास्टिड के बारे में. प्लास्टिड में हमने क्रोमोप्लास्ट, ओके, एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्टडी किया. क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्टडी किया था कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है. क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. मेसोफिल सेल्स में देन क्वांटासोम्स होते हैं. क्वांटासोम्स में आपके क्लोरोफिल होते हैं, जो कि क्वांट मतलब फोटोन को यूज़ करते हैं और उस फोटोन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ फूड. ओके, दैट वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. इसके अलावा ग्रेना क्या है, थैलेकोइड्स क्या है, ये सब हमने डिटेल में स्टडी किया था. क्लियर? एंड ये सारे पॉइंट्स नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नीट में आने की इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत हाई होती है. आज अगेन हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ये भी हमारा जो बेसिक है, हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे कि नीट के पेपर में कोई भी क्वेश्चन, अगर इफ वी स्टडीड द क्लोरोप्लास्ट, कि नीट के पेपर में क्लोरोप्लास्ट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दैट वो गलत नहीं होना चाहिए. कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो गलत नहीं होना चाहिए. उस लेवल तक को कवर करना है. क्लियर? उसी पैटर्न से अब हमारे हर लेक्चर चलते हैं. ओके, सो आज का जो लेक्चर है सीलिया एंड फ्लेजेला एंड द सेंट्रियोल, इससे जो बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि नेट में कौन कौन से क्वेश्चन इन इन टॉपिक से आते हैं, लाइक सीलिया और फ्लेजेला और सेंट्रियोल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं. सो चलते हैं आज आपके हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. सीलिया फ्लेजेला, सबसे पहले हम सीलिया फ्लेजेला कवर करते हैं. सीलिया फ्लेजेला बेसिकली हमने पढ़ा भी है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है, बट कुछ बेसिक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में. ओके, सीलिया दैट्स कॉल्ड अ प्लूरल एंड द सिंगुलर होता है सीलियम. फ्लेजेला प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर होता है फ्लेजेलम. ये हेयर लाइक आउट ग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन के. देखिए, सेल मेम्ब्रेन की आउट ग्रोथ होती है, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ आउट ग्रोथ होती है सीलिया एंड फ्लेजेला. ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं, एडवांस यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, सीलिया बेसिकली स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली इट लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर सेल और सराउंडिंग फ्लूइड. देखिए, जो सीलिया बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के चारों तरफ आपके थ्रेड निकले होते हैं सराउंड द पेरीफेरी, इसके चारों तरफ पेरीफेरी के ऊपर थ्रेड निकले हुए होते हैं. ओके, इनका बेसिक फंक्शन होता है या तो सेल का मूवमेंट होगा या फिर उसके आसपास के फ्लूड के मूवमेंट के लिए. देखिए, यहाँ पे दो पॉइंट्स है, या तो सेल का मूवमेंट या फिर फ्लूड का मूवमेंट. मतलब फ्लूड मतलब होता है उसमें कोई भी आपके कोई भी म्यूकस वगैरह प्रेजेंट होता है या फिर उसमें कोई भी फ्लूड प्रेजेंट होता है उसके मूवमेंट के लिए. जैसे आप देखेंगे यहाँ पे अगर दो प्रेजेंट है, इट कोज द मूवमेंट ऑफ द सेल
मूवमेंट ऑफ सेल बेसिकली मतलब सीलिया की हेल्प से सेल मूव कर सकती है, क्लियर, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, और सराउंडिंग द फ्लूइड ये होता है बेसिकली जो हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि हमारे भी एपिथेलियल सेल्स के अंदर सीलिया होते हैं जिसका बेसिक फंक्शन है इनका फ्लूइड को मूव करना, ठीक है। सो पर्पस डिफरेंट हो सकता है, ओके, होते वो सीलिया हैं और वो सब आपके सेल मेम्ब्रेन की आउटर ग्रोथ होती है, क्लियर। फ्लेजिला जो होते हैं कंपेरेटिवली लॉन्गर होते हैं और जो सेल के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सीलिया और फ्लेजिला का वैसे भी हम रिश्ता पढ़ चुके हैं, बहुत पुराना रिश्ता है इनका, ओके। फ्लेजिला बेसिकली लॉन्ग ग्रोथ होती है एंड सीलिया आपकी स्मार्ट ग्रोथ होती है, ओके। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पॉजेस अ फ्लेजिला बट दीज आर स्ट्रक्चर डिफरेंटली फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लेजिला। देखिए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो तो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया हो दोनों में फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, बट दोनों का फंक्शन सेम होता है कि मूवमेंट करना है, बट दोनों का स्ट्रक्चर लेवल पे डिफरेंट होता है, काफ़ी डिफरेंस आपको स्ट्रक्चर लेवल पे मिल जाएगा, फंक्शन सेम होता है। फ्लेजिला आपको सेल के ऊपर मिलता है और सीलिया उसकी पूरी पेरिफेरी के ऊपर होता है, जैसे देखिए ये आपका कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ से ऊपर की तरफ फ्लेजिला होता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ पेरिफेरी के ऊपर आपका सीलिया प्रेजेंट होता है। तो सीलिया बेसिकली फ्लूइड के मूवमेंट के लिए होता है और फ्लेजिला बेसिकली आपकी जब फ्लेजिला बेसिकली क्या होता है, जब खुद सेल को मूव करना हो तो हमारे पास तो देखिए अपने पैर हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बैक्टीरिया को मूव करना हो तो बैक्टीरिया भाई साहब कैसे मूव करेंगे, उनको चाहिए कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन एंड दैट फ्लेजिला इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन जिसके थ्रू वो मूव कर सकते हैं, क्लियर। सो नॉट अ टफ पॉइंट, आप इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ सीलियम, देखिए ये जो आपका सीलियम लिखा हुआ है ये सीलियम है आपका लाइक ये है सिंगुलर वर्ड फ्लेजिलम, ये भी आपका फ्लेजिला का बेसिकली ये सिंगुलर वर्ड है। दे शो दे आर ए कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं एंड देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनियम। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी दिखाता है कि ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए कवर होते हैं बिकॉज दे आर आउटग्रोथ ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आउटग्रोथ होते हैं, तो दैट्स व्हाई ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। एंड इनका जो कोर होता है, कोर इट मीन होलो पार्ट, होलो पार्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो होलो पार्ट है उसको एक्सोनिमा बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा, दो मिनट रुकिए मैं आपको समझा दूंगा एक्सोनिमा क्या होता है। देखिए मैं आपको एक बार एक्सोनिमा समझाता हूँ, पहले देखिए ये आपका फ्लेजिला है, ठीक है। अब आपके फ्लेजिला को आपने यहाँ से कट कर दिया, बीच में देखा और आप देखते हैं अंदर झांक के, देखिए आपने कट किया पार्ट अलग किया, अब आप झांक के देखते हैं तो अब झांक के जो देखते हैं वो अंदर का जो पार्ट है वो एक्सोनिमा है, समझ में आ गया। सो एक्सोनिमा इज अ कोर सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट पॉजेस ए नंबर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। तो हम झांक के अब देखते हैं तो आपने झांक के क्या देखा कि बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो एक दूसरे के अंदर इसके मूव कर रहे हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली साइटोस्केलेटन का पार्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते क्या है। बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रेक्शन के लिए, ओके, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो कोई भी लाइक वेसाइकल्स को मूव करना है, सीलिया फ्लेजिला को मूव करना है, अब देखिए स्लेव अब फ्लेजिला है, फ्लेजिला अगर मूव करेगा तो वो ऐसे करेगा, ठीक है। तो इसको मूवमेंट कराने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल में एटीपेज एंजाइम होता है जिसके थ्रू ये मूव कर सकते हैं इस तरीके से। अब सीलिया है, सीलिया को अगर ऐसे मूव करना है, सीलिया है अगर उसको ऐसे मूव करना है, ठीक है, ऐसे मूव करना है तो ऐसे मूव करेगा जब सीलिया, तो उसको भी तो मूव कराने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं आपके इस उनमें पावर होती है मूव करने की, जिसमें एटीपेज एंजाइम होता है जिसके थ्रू वो मूव कर पाते हैं। तो आप जब इसको काट के देखेंगे तो काट के देखेंगे अंदर, आपने झांक के देखा, ओ इसके अंदर तो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे कि हमारे बोन, जैसे हम आप देखेंगे तो हमारे मसल्स के अंदर मसल्स फाइबर होते हैं जिसके से हम कॉन्ट्रेक्शन होता है, ओके, वैसे ही उनके अंदर देखेंगे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलली रन होते हैं, ओके। फिलहाल इतना समझिए आप, देखिए ये ऐसे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो पैरेलली एक दूसरे के रन होते हैं, समझ में आ गया। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का और डिटेल में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ये पूरा एक्सोनिमा होता है, ठीक है, ये कोर सिलेंड्रिकल पार्ट है जो कि आप काट के देखेंगे तो पूरा आपको दिखाई देगा। प्रोकैरियोटिक में बेसिकली होलो होता है, मतलब अंदर कुछ नहीं भरा होता, ठीक है। सीलिया एंड फ्लेजिला आर बेसिकली कवर्ड बाय ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो ठीक है समझ में आई गया। इन यूकैरियोटिक सेल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन एक्सोनिमा इज 9+2। अब 9+2 क्या है देखिए, आप देखिए 9+2 है क्या, देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब आप जब एक्सोनिमा है तो एक्सोनिमा में जब आप झांक के देखते हैं तो झांक के आपने देखा
कि माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कैसे होता है, कि जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं पेरीफेरी पे होते हैं और दो जो पार्ट होते हैं वो सेंटर में होते हैं। देखिए आपने जब काट के देखा, आपने देखा उसको कट किया बीच में से, कट करने के बाद में देखा कि जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं पेरीफेरी में होते हैं, फिर सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड द 9+2 अरेंजमेंट। समझ में आ गया? प्रोकैरियोटिक में ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता भाई साहब, प्रोकैरियोटिक होलो होता है, मतलब दैट्स व्हाई अब 9+2 अरेंजमेंट होता है उसको मोर एडवांस बनाता है एंड उसका जो मूवमेंट होता है मोर एडवांस हो सकता है। प्रोकैरियोटिक में जो मूवमेंट होता है वो एडवांस नहीं हो पाता। ओके, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं पेरीफेरी पे होते हैं और जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं आपके सेंटर के साइड। क्लियर? प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजेला होता है होलो होता है, मतलब अंदर से आपको जब खोल के देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ओके, खाली मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला में अगर आप देखेंगे तो क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होलो होता है और यूकैरियोटिक फ्लैजेला 9+2। ध्यान रखना ये 9 और 2 क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है और नो माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलली, जैसे मैंने बताया ना जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आपने देखा ये से पैरेलली रन होते हैं, पूरे एक्सोनिमा में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलली रन है पेरीफेरी के ऊपर। क्लियर? प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में जो बेस में मोटर रिंग प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक फ्लैजेला में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है एट द बेस। क्लियर? देखिए प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में तो क्या होता है कि बेसिकली आपका लाइक जो आप देखेंगे मोटर रिंग होती है, मोटर रिंग बेसिकली क्या करती है, हमने पढ़ा था बैक्टीरिया में कि मोटर रिंग उसको कीमो ऑस्मोसिस के थ्रू एटीपी जनरेट करवाती है और एटीपी जनरेट होने की वजह से आपका सीलिया और फ्लैजेला मूव कर सकता है। सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, हम सीलिया फ्लेजेला दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, मतलब यूकेरियोटिक में सीलिया और फ्लेजेला 9+2 होता है, प्रोकेरियोटिक में सीलिया और जो फ्लेजेला होता है वो भी 9, वो पूरा होलो होता है। ओके, जस्ट कीप इन योर माइंड, स्ट्रक्चर वाइज दोनों सीलिया और फ्लेजेला सेम होते हैं, चाहे प्रोकेरियोटिक हो चाहे यूकेरियोटिक हो। क्लियर? फंक्शन थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, यूकेरियोटिक फ्लेजेला में क्या होता है, वहाँ पे होलो कोर ना होके आपके लाइक सॉरी मोटर रिंग ना होके वहाँ पे आपके सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेंट्रियोल से सीलिया और फ्लेजेला रिलीज होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं बेसिकली, उन सेंट्रियोल से सीलिया और फ्लेजेला रिलीज होते हैं। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रियोल्स, दिस इज द बेसिक सिग्निफिकेंट ऑफ द एनिमल सेल, एनिमल सेल्स में ही सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। क्लियर? प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजेला होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, यूकैरियोटिक फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, दैट्स अ डिफरेंस। ओके, तो देखिए प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला पूरा होलो है और यूकैरियोटिक फ्लैजेला 9+2 का माइक्रोट्यूब्यूल्स का पैरेलल रनिंग होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा, मैंने यहाँ पे एक्चुअली 9+2 तो नहीं ड्रॉ किया है मैंने, इसके आप जब देखेंगे काट के, आप यहाँ से देखेंगे तो काट के अगर जब आप देखते हैं तो क्या देखते हैं कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे पैरेलली रंगे पेरीफेरी की तरफ और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो सेंटर की तरफ है, ये सारे कनेक्टेड होते हैं, 9+2 भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर और इंट्रा कनेक्शन होता है। ठीक है, देखिए इसमें ये मोटर रिंग प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट कैसे होता है, अब देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। ओके, 9 पेयर ऑफ डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रेडियली जनरेटेड ऑन द पेरीफेरी। 9 पेयर ऑफ डबलेट मतलब दो दो करके, दो दो करके 9 मतलब दो दो का एक पेयर होता है, ऐसे 9 डबलेट्स होते हैं, मतलब दो एक दो एक दो एक, ऐसे 9 डबलेट्स होते हैं जो बेसिकली रेडियली अरेंज होते हैं पेरीफेरी में। क्लियर? एंड दे आर इंटरकनेक्टेड, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब 9 के जो 9 होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय ए डायनेमिक प्रोटीन आर्म। तो ऐसे 9 डबलेट्स हैं तो टोटल कितने हो गए 18। क्लियर? टोटल कितने हो गए 9 डबलेट्स हैं पेरीफेरी पे, तो टोटल कितने हो गए 18। 18 ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरीफेरी पे रन होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं डायनेमिक प्रोटीन के अलावा। ऐसे डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, सेंट्रली अरेंज होते हैं और ये दिस माइक्रोट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ए ब्रिज, मतलब एक ब्रिज होता है, जैसे कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल है ऐसे 2 माइक्रोट्यूब्यूल ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? सेंट्रल ट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या होता है कि सेंट्रली जो ट्यूब्यूल्स होते हैं पेरीफेरी, एक मतलब पेरीफेरी में क्या होता है, 9 डबलेट्स में देखे तो 2 का एक ग्रुप होता है, तो 2 में से एक से सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू ए रेडियल स्पोक। तो पूरा स्ट्रक्चर कार्टव्हील जैसा हो जाता है, कार्टव्हील मतलब बैलगाड़ी जैसा, आपने बैलगाड़ी में देखा है ना, एक बीच में एक पूरा की तरह पेरीफेरी होता है, मिडिल में एक पार्ट होता है जिससे कि रेडियल स्पोक निकले होते हैं टुवर्ड्स अ पेरीफेरी, तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ कार्टव्हील, लाइक ए कार्टव्हील स्ट्रक्चर। ओके, यूकैरियोटिक सेल के अंदर सीलिया और जो फ्लैजेला होते हैं सेंट्रियोल से रिलीज होते हैं। ठीक है, देखिए
ये दिख रहा है आप, अब देखिए, अब आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है इन ए यूकेरियोटिक सेल्स, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो खाली पड़ा है, होलो है, कुछ है ही नहीं, तो दैट्स द माइक्रोबियल. अब ये जो अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर है. अब देखिए ये आपको जो दिख रहा है, ये जो पार्ट, ये देखिए ये नाइन है, ये आप ये दिख रहा है आपको ये सारा पार्ट, ये जो सारा ये जो है पेरीफेरी पे ऐसे नाइन डबलेट फॉर्म में है, ठीक है. ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे नाइन डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरीफेरी के ऊपर अरेंज है. समझ में आ गया, नाइन डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरीफेरी के ऊपर अरेंज है, और एक डबलेट दूसरे डबलेट से, यहाँ पे देखिए एक डबलेट जो है दूसरे टबलेट से इन रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड है. समझ में आया, एक सॉरी डायनिन एक आर्म के थ्रू कनेक्टेड, इसको हम डायनिन आर्म बोलते हैं. देखिए मैं आपको एक देखिए ये है बेसिकली आपका क्या, ये बेसिकली आपका है पेरिफेरी पार्ट. ठीक है, ये बेसिकली है आपके डबलेट्स. ठीक है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. ये देखिए ये जो, और आपका ये पार्ट क्या है, अगर आप ये देखेंगे तो आपका ये पार्ट है बेसिकली, तो ये तो डबलेट हो गया, सॉरी ये जो पार्ट है, ये पार्ट है आपका आम, ये पार्ट है आपका आम. तो ये आम बना होता है डायनिन प्रोटीन का, ये देखिए पेरिफेरी के ऊपर अरेंज है. ओके, क्लियर हो गया. अब देखिए दो सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये देखिए दो सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है. अब ये सेंटर के अंदर है, ये भी डबलेट फॉर्म में है और एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है. ये देखिए ये इनका ब्रिज है, क्लियर हो गया. अब क्या होगा कि ये देखिए पेरिफेरी माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये इनकी कनेक्टिंग आर्म्स है जो कि डायनिन प्रोटीन की बनी हुई होती है. नेक्स्ट देखिए ये रेडियल स्पोक है, जिसमें क्या है कि ये जो जो आपके सेंटर के जो ट्यूब्यूल्स हैं, एक जो ट्यूब्यूल्स हैं वो एक पेरिफेरी के एक पार्ट से रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड है. देखिए यहाँ से रेडियल स्पोक निकल रहे हैं, ये इसके थ्रू कनेक्टेड, तो पूरा स्ट्रक्चर बैलगाड़ी के जैसे का समान हो जाता है. समझ में आ गया, और ये पूरी जो स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होती है. सो दैट्स द माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट 9+2. आई थिंक समझ में आ गया, नाइन पार्ट है पेरीफेरी पे, पेरीफेरी में डबल डबल डबलेट्स हैं आपके पेरीफेरी के ऊपर जो एक दूसरे से आर्म्स के थ्रू कनेक्टेड है. ठीक है, सो ये जो कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अगर आप कनेक्शन देखेंगे, ये कनेक्शन तो बेसिकली है इंट्रा कनेक्टेड. अगर आप ट्यूब्यूल्स के बीच में बात करते हैं तो दैट्स इंट्रा कनेक्टेड, और इसका जब इनसे कनेक्टेड दैट्स इंटर कनेक्टेड. सो आप देखेंगे ये इंटर कनेक्टेड इंट्रा कनेक्टेड है, मतलब हर एक ट्यूब्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है. ओके, तो ये है आपका माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट इन द यूकेरियोटिक सेल्स. ठीक है, ये पिक्चर मैंने बेसिकली आपके एनसीईआरटी से लिया है, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो. ये देख रहे हैं ये बेसिकली ये है एग्जैक्ट पिक्चर लिया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोप आपने लैब में देखा होगा उसका एक बड़ा एडवांस वर्जन होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है. ओके, एंड उसके थ्रू हम जनरली 10,000 और 20,000 1,00,000 जूम तक हम किसी भी ऑर्गन की स्टडी कर सकते हैं, किसी भी डिटेल तक स्टडी कर सकते हैं उसकी. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है. ये देखिए आपको डबलेट्स, ये डबलेट्स है, देखिए डबलेट डबलेट्स हैं जो कि पेरीफेरी के साइड में है, और ये आर्म्स है उसके, सॉरी ये उसके डबलेट, ये तो आपके सेंट्रल डबलेट्स हैं, ये आपके पेरीफेरी डबलेट्स हैं, ये आपके सेंट्रल डबलेट्स हैं. अब यहाँ से आप देखेंगे ये पार्ट, ये जो पार्ट आप दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्लैकिश ब्लैकिश पार्ट है, ये ब्लैकिश ब्लैकिश पार्ट होता है कि जो एक दूसरे से कनेक्शन शो कर रहा है. ओके, फिर इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे हल्का हल्का, क्योंकि क्या होता है ये हल्का इसलिए हो जाता है बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं स्टडी के लिए तो जनरली वो लाइट को यूज़ करता है, तो जहाँ पे जो लाइक ट्रांस, एक तो होता है ट्रांसल्यूसेंट और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट होता है ट्रांस, या फिर दूसरा होता है जो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और लाइट को कम रिफ्लेक्ट करता है. तो जनरली जो ट्रांसल्यूसेंट जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ पे क्या होता है कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद में आपको डार्क दिखाई देता है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसल्यूसेंट स्ट्रक्चर होता है क्योंकि लाइट को कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं.
तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, ओके यहाँ पे भी सेम, ये आपके डबलेट डबलेट्स पार्ट हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ देखिए ये पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्लियर। ये आपका डबलेट्स है जो कि ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। एक चीज़ और आपको बताना रह गया, ये बेसिकली क्या होते हैं, सेंट्रल डबलेट्स होते हैं, ये पेरीफेरल शीट के थ्रू कवर्ड होते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आपका इंटर डबलेट्स ब्रिज है जो एक दूसरे से ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है, और ये अगर आपका जो पार्ट है पेरीफेरी का है जो कि डायनिन आर्म के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, और ये आपका बेसिकली रेडियल स्पॉक है जो इनसे आपका सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट होता है, दैट्स टुवर्ड्स द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ओके। और ये सेंट्रल शीथ के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। सो दैट्स अबाउट द अबसीनियन फ्लेजुला, बहुत सिंपल सा है। और जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं इनके 9+2 अरेंजमेंट से, ओके 9+2 अरेंजमेंट से इनके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है इनसे तो सिर्फ इनसे आता है 9+2 अरेंजमेंट। और एंड इसके अलावा प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो हमने प्रोकैरियोटिक में डिस्कशन किया था वो उसे रिंग्स के बारे में डिस्कशन आता है, जो हमें देखा भी होगा, रिंग हमने पढ़ाया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में रिंग होती है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, नहीं है तो प्लीज़ वो रीड कर लीजिएगा, LPSM रिंग हमने पढ़ाई थी, वो सब रिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। फंक्शन वाइज दोनों कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन जनरली इस डायग्राम से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ये दिख रहा है आपका, जिस डायग्राम से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओके। ये डायग्राम अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस डायग्राम से बाहर नहीं आएगा, अगर आपने डायग्राम भी माइंड में रख लिया देन आपका सीलियर फ्लेजुला कवर है, इससे क्वेश्चन ऊपर नहीं आता, ठीक है। सो अब हम स्टडी करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रियोल के लिए, ठीक है। सेंट्रियोल सेंट्रियोल बेसिकली दैट इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एनिमल सेल, ये प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, देखिए सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम दोनों एक ही स्ट्रक्चर एक ही जैसे हैं। अब वो क्या है सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है कि जनरली सेंट्रोसोम आपके सेंट्रोसोम क्या होता है कि एक तरह का ऑर्गन, एक तरह का आपका सेल ऑर्गन है, उस सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर ऐसे अटैच्ड होते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे आपके दो, एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर एक दूसरे से रेडिएटेड होते हैं, परपेंडिकुलर एक दूसरे से रेडिएटेड होते हैं 90 डिग्री पे। सेंट्रोसोम इज ऑर्गनल, यूजुअली कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल, ओके ऐसे दो डिफरेंट ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए इसका मतलब ही नहीं कि गोला है, मतलब वो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो 90 डिग्री के ऊपर है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो 90 डिग्री के ऊपर है, ओके 90 डिग्री पे रेडिएट है। बेसिकली ये एक अमोर्फस पेरीसेंट्रियुलर मटेरियल्स के थ्रू कवर होते हैं, दोनों जो बोथ आर सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम लाई ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए कार्टव्हील। देखिए कहने का मतलब क्या है इनका, ओके आपका बेसिकली क्या होता है कि दो ऐसे सेंट्रियोल्स जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपके अटैच्ड होते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्लियर, परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर आप एक सेंट्रियोल को देखेंगे उसके हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो एक सेंट्रियोल कार्ट व्हील के जैसा ही होता है जो हमने देखा, हाँ स्ट्रक्चर हल्का सा डिफरेंट हो जाता है बट कार्ट व्हील के जैसा ही होता है, ठीक है, आप समझ में आया, ठीक है, मैं आपको और बेटर तरीके से समझाता हूँ, जस्ट वेट। देखिए अगर आप देखेंगे सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है कुछ नहीं होगा, सॉरी, देखिए ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 90 डिग्री पे इस तरीके से अरेंज होते हैं, ऐसे 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं, 90 डिग्री पे इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये ईच ऑफ द सेंट्रियोल्स लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ईच ऑफ द सेंट्रियोल लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, और अगर आप एक का सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्टव्हील के जैसा होता है, अगर आप एक सेंट्रियोल्स देखेंगे तो कार्टव्हील मतलब बैलगाड़ी के पहिए के जैसा होता है, ठीक है। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट है ये ऐसे, ये आप ये देखिए, ये सेंट्रियोल है, ये दो डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रियोल्स हैं, दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रियोल्स हैं जो कि 90 डिग्री पे हैं आपके, ओके ये आपके बेसिकली 90 डिग्री के ऊपर है, क्लियर। और ये पूरा एक अमोफस एक लिक्विड होता है, अमोफस एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड्स के थ्रू ये कवर होते हैं। इनका सिग्निफिकेंट क्या है, क्यों ये कवर्ड होते हैं, मैं आपको बताऊँगा एट द एंड ऑफ स्लाइड। समझ में आ गया, दो सेंट्रियोल्स हैं परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। समझ में आ गया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स का परपेंडिकुलर एक दूसरे से जो अटैच्ड है, ठीक है, ये इसके पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रोसोम, क्लियर।
ये आपका पेरिसेंट्रिकुलर मटेरियल होता है, एमोर्फस होता है बेसिकली. सेंट्रियोज बेसिकली बेंडर ने 1893 के अंदर डिस्कवर किया था एंड बाद में बोवेरी में इसका नाम को प्रोवाइड किया 1888 के अंदर. ओके, सेंट्रियोज बेसिकली एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कुछ लोअर एल्गी में भी ये प्रेजेंट होते हैं. इट इज एब्सेंट इन अ प्लांट सेल. सेंट्रियोल आर लाइक ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच इज 0.5 माइक्रोमीटर इन अ डायमीटर. देखिए ये लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल माइक्रोट्यूबल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं. ओके, प्लांट सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, दे आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स. क्लियर. सेंट्रिसियोम को हम बेसल बॉडी भी कह सकते हो, कैनेटोसोम भी कह सकते हो, ब्लूफेरोप्लास्ट भी कह सकते हो, बेसल ग्रैन्यूल्स भी कह सकते हो. क्योंकि क्या होता है कि सेंट्रोसोम से ही सीलिया फ्लेजिले का पार्ट होता है. आपने पढ़ा था यूकेरियोटिक में, आपने क्या देखा कि यूकेरियोटिक में जो आपका नीचे का पार्ट होता है, मतलब आपका जो बेसल बॉडी होता है, उससे ही सीलिया फ्लेजिला ओरिजिनेट होते हैं, सीलिया फ्लेजिला ओरिजिनेट होते हैं. दैट्स व्हाई आपका जो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम है वो क्या है, आपका बेसल बॉडी है, वो आपका बेसल बॉडी है या फिर बेसल ग्रेन्यूल्स है. काइनेटोसोम इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसके थ्रू जब आपके सीलिया और फ्लेजिला ओरिजिनेट होते हैं तो वो काइनेटिक मूवमेंट में हेल्प करते हैं. क्योंकि इसी सेंट्रियोल से आपका सीलिया और फ्लेजिला ओरिजिनेट होता है. तो यूकेरियोटिक सेल्स में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम से ही सीलिया और फ्लेजिला आगे ओरिजिनेट होते हैं. समझ में आ गया. तो बेसिकली जनरेट कैसे होता है, ये तो ऐसा 90 डिग्री पर होता है पूरा सेंट्रोसोम. ये देखिए सेंट्रोसोम है, इसमें फर्स्ट सेंट्रियोल, सेकंड सेंट्रियोल और पूरा स्ट्रक्चर क्या है आपका, पूरा स्ट्रक्चर है सेंट्रोसोम. क्लियर. आप उनसे ऊपर की तरफ देखेंगे, आप ऊपर की तरफ उनसे ऐसे फ्लेजिला जनरेट हो जाता है. ये फ्लेजिला है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर क्या है. अब उस फ्लेजिला में अगर आप उस फ्लेजिला को कट करके देखेंगे बीच में से, ठीक है, तो आपको होलो पार्ट दिखाई देता है, दैट होलो सिलेंड्रिकल पार्ट इज एक्सोनियम. अब उस एक्सोनियम में अगर आप अंदर झांक के देखेंगे तो आपको 9+2 का अरेंजमेंट दिखाई देगा. क्लियर. एस्टर फाइबर बेसिकली सेंट्रियोल से जनरेट होते हैं, जिनको हम उनको स्टार रेज भी बोलते हैं. एस्टर फाइबर क्या होता है, एक सेंट्रियोल से रेज जनरेट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, माइक्रोट्यूब्यूल्स की होती है वो, रेज ऐसी नहीं होती, माइक्रोट्यूब्यूल्स की रेज जनरेट होती है जिनको हम स्टार रेज भी कहते हैं. ओके, ये देखिए ये आपका ये है आपके, ये देखिए ये पहला सेंट्रियोल, सेकंड सेंट्रियोल 90 डिग्री के ऊपर ये है आपके लाई करते हैं. फिर अगर आप देखेंगे तो ये दो सेंट्रियोल्स अगर आप अलग अलग करके देखें, ये फर्स्ट और सेकंड सेंट्रियोल को अलग अलग करके देखें, तो इनसे देखिए ये रेज जनरेट हो गई, ये देखिए रेज जनरेट, अब दोबारा देखिए ये रेज जनरेट हो रही है. इन रेज को हम बोलते हैं एस्टर रेज. देखिए ये एस्टर रेज इनसे जनरेट हो गई. क्लियर. अब इन एस्टर रेस के बाद में इनसे क्या होता है कि ये स्पिंडल फाइबर, ये जो एस्टर रेस होती है इनसे स्पिंडल फाइबर बनता है जो कि एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल की तरफ जाता है. ये देखिए एक सेंट्रियोल से आपके माइक्रोट्यूबल दूसरे सेंट्रियोल्स की तरफ जाते हैं, एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल की तरफ ये आपके स्पिंडल फाइबर जाते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. तो सेंट्रियोल्स के दो फंक्शन हो गए, सेंट्रियोल्स के दो फंक्शन, एक तो सीलिया और फ्लेजिला का बनाना और दूसरा सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करना. ठीक है, तो सेंट्रियोल्स फ्रॉम अ बेसल बॉडी ऑफ अ सीलिया फ्लेजिला एंड अ स्पिंडल फाइबर दैट गिव अ राइज टू द स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन अ एनिमल सेल. जब हम सेल डिवीजन स्टडी करेंगे तो सेल डिवीजन में हम देखेंगे कि आपकी जो सेंट्रियोल्स होते हैं उन सेंट्रियोल से स्टार रे, जैसे कि सेंट्रियोल्स हैं उनसे सेंट्रियोल से स्टार रे जनरेट होती है. फिर उस स्टार रे की तरफ आपके स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. दे आर मेड ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरीफेरल फाइब्रल्स ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन. ये बेसिकली 9 पेरीफेरी के ऊपर आपके ट्रिपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ओके, और जैसे क्या होता है उसमें आपने जो अरेंजमेंट देखा था वहाँ था 9+2 अरेंजमेंट. क्लियर, यहाँ पे अरेंजमेंट होता है 9+0 अरेंजमेंट. इसमें 9 उसमें था डबलेट, इसमें ट्रिपलेट. आप जो सेंट्रियोल को देखेंगे सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी के ऊपर अरेंज होते हैं. ठीक है, While in the case of the cilia and the flagella, 9 periphery doublets, basically doublets आपके कहाँ अरेंज होते हैं, आपके periphery के ऊपर अरेंज होते हैं. वो triple, यहाँ पे triplet है, वहाँ पे doublet थे. और center में यहाँ पे कुछ नहीं होता, एक hub होता है, मतलब खाली space होता है, hollow space होता है. अरेंजमेंट ऑफ द fibrils are 9+0, 9 of fibrils होते हैं periphery के ऊपर अरेंज होते हैं और center में कोई fibril नहीं होता. ओके, फिर आपके जो
पास पास में जो ट्रिपलेट फाइबर्स होते हैं बेसिकली सेंट्रल पार्ट्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एंड उसको सेंट्रल पार्ट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं बिकॉज सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं बेसिकली हब पोर्शन. हब इट मीन्स होलो होता है, प्रोटीनेसिस पोर्शन होता है, उसमें कोई स्पिंडल फाइबर्स नहीं होते, सिर्फ एक प्रोटीन का एक पार्ट होता है अंदर की तरफ. जैसे कि अगर आप देखेंगे सेंटर की, आप ये देखेंगे सेंटर है तो सॉरी ये आपका पेरीफेरी है, तो सेंटर की तरफ एक प्रोटीनेसिस पार्ट होता है, मतलब प्रोटीन का एक पार्ट होता है, होलो हब होता है, जिससे कि आपके हब से पेरीफेरल पेरीफेरी पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू ए रेडियल स्पॉक. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको. देखिए अब अगर आप हम थोड़ा सा कम डिटेल में स्टडी करें तो ये आपके सेंट्रियोल्स हैं. अब इस सेंट्रियोल्स में देखिए क्या होता है, ये बीच का हब पोर्शन है, हब मतलब प्रोटीनेसिस पार्ट है आपका. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपके नाइन आपके क्या है पेरीफेरी पे ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. ठीक है, ए बी सी 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 ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये ट्रिपलेट्स हैं. अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पॉक रेडियल स्पॉक के थ्रू, यहाँ पे हब से ही रेडियल स्पॉक के थ्रू ये ए पार्ट से कनेक्टेड होते हैं. ये देखिए रेडियल स्पॉक है, रेडियल स्पॉक के थ्रू एक पार्ट से कनेक्टेड होते हैं. और देखिए अब रेडियल स्पॉक कनेक्टेड हो गया. अब देखिए ये तो कनेक्टेड हो गया इससे, देखिए दो कनेक्शन होते हैं, एक तो हो गया हब का कनेक्शन तो हो गया पेरीफेरी से, मतलब सेंट्रल का कनेक्शन हो गया पेरीफेरी से. अब पेरीफेरी भी तो आपस में कनेक्ट होंगे, तो पेरीफेरी का कनेक्टर होने के लिए कैसे कनेक्टेड होता है ये देखिए, इसे बोलते हैं एसी लिंक, इसे बोलते हैं एसी लिंकर. मतलब ए माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल है, ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोट्यूब्यूल, सी माइक्रोट्यूब्यूल, लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल है. अगर आप देखेंगे ना थोड़ा सा आगे झांक के देखेंगे थ्री डायमेंशन में, तो ये लंबे 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 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ए लंबे माइक्रोट्यूब्यूल्स है, बी लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सी लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स है. सो ए से सी लिंकर होता है, मतलब ए से आपका सी लिंक होता है, जिसको बोलते हैं ए सी लिंकर, मतलब ए से सी आपका यहाँ पे लिंक है. सो दैट इज अ कनेक्शन. ठीक है, अब यहाँ से ए से जो सी का लिंक है, ए से जो सी का लिंक होता है, ये ए से सी का जो लिंक है इसे ये तो हो गया बेसिकली आप अगर आपने यह लिखा इंटरकनेक्टेड. अब इंटरकनेक्टेड किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बिकॉज इंटरकनेक्टेड इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज एक ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट से कनेक्टेड है, तो वो क्या इंटरकनेक्टेड. अगर ये आपस में कनेक्टेड होते तो उसे बोलते हैं इंट्राकनेक्टेड. समझ आएंगे, बट मैंने इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करूं, अगर मैं हब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रेफरेंस में अगर डिस्कशन करूं, तो अगर हब पोर्शन इससे कनेक्टेड है, अब हब के पहले तो मैं क्या इन्हीं का कंपेयर, पहले मैं सिर्फ पेरीफेरी का कंपेरिजन कर रहा था, हब को मैंने कंसिडर ही नहीं किया था. तो अगर मैं पेरीफेरी का अगर डिस्कशन करूं, तो पेरीफेरी में ए से जी सी कनेक्टेड है, ठीक है, एक ट्रिपलेट से दूसरा ट्रिपलेट कनेक्टेड है, तो वो हो गया इंटरकनेक्टेड. और अगर ये ए बी सी आपस में कनेक्ट होते हैं बोलता है इंट्रा कनेक्टेड. तो ये कब हुआ, जब मैंने सिर्फ और सिर्फ पेरीफेरी को रेफरेंस में लेके किया है. अगर मैं सेंटर को रेफरेंस में लेके आता हूं, तो सेंटर को रेफरेंस में अब ये क्या है, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल, अब ये जो एक ट्रिपलेट है आपका हब से कनेक्टेड है थ्रू रेडियल स्पोक, तो ये हो गया आपका इंटरकनेक्टेड. क्योंकि मैं अब हब को, अब मैं लाइक सेंटर पार्ट को रेफरेंस में लेके आ रहा हूं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये हो गए आपके इंट्रा कनेक्टेड, क्योंकि अब मैं हब को रेफरेंस में लेके आ रहा हूँ. तो अब हब में तो अब क्या होता है कि जब अब दुश्मन दूसरा होता है, दुश्मन जब आपको लाइक जैसे कि पहले कि दुश्मन जब होता है तो हम सब एक साथ साथ हो जाते हैं, तो पहले क्या था, अलग अलग थे, पहले एक अलग अलग थे, ये पहले अलग अलग थे, सारे ट्रिपलेट्स अलग अलग थे, तो हमने इसको इंटरकनेक्टेड बोल दिया, ये सब इंटरकनेक्टेड बोल दिया, सारे अलग अलग थे तो इंटरकनेक्टेड बोल दिया. लेकिन अब हमने क्या किया, अब इनका एक दुश्मन है सबका हब, तो सब सारे एक साथ हो गए, भाई हमारा कॉमन दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन ही होता है, क्लियर. तो अब ये पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, तो दैट्स व्हाई इंटर बोल दिया. अब हब इनका कॉमन दुश्मन है, हब इनका क्या कॉमन दुश्मन है, हब इनका अगर अब कॉमन दुश्मन है तो ये सारे भाई भाई हो गए. तो अब इनके बीच का जो लिंक हो गया वो इंट्रा हो गया, क्योंकि भाई भाई है, और इनका जो लिंक हो गया वो इंटरकनेक्टेड हो गया. समझ आ गया, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है. सो यहाँ पे जब देखेंगे कि सीलिया और फ्लेजिला का था 9+2 और सेंट्रियोल्स का था 9+0, तो और सेंट्रियोल से ही सीलिया फ्लेजिला जनरेट होता है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि 9+0 से ही 9+2 का फॉर्मेशन होता है. समझ आ गया, फंक्शन क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जनरली क्या होता है कि सेल डिवीजन के टाइम पे ये एक स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि क्रोमोसोम उनके ऊपर सेपरेट आउट हो सके. ठीक है, क्या होता है कि दो सेंट्रियोल्स होते हैं, जैसे कि मैं दो सेंट्रियोल्स आपने देखे थे, ये क्या होते हैं
डिफरेंट दो पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं, माइटोटिक पोल बना लेते हैं और उससे स्टार रेस तो बनी रहते हैं। अब उन स्टार रेस से आपके स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं और स्पिंडल फाइबर के ऊपर क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, तो सेल डिवीजन के टाइम पे हेल्प करते हैं। क्लियर? ओके, सो स्पिंडल फाइबर अपीयर्स फ्रॉम ए माइटोटिक पोल। ठीक है, माइटोटिक पोल से अरेंज जनरली अपीयर्स होते हैं एंड रेडिएट होते हैं टुवर्ड्स द सेंटर जस्ट लाइक ए स्टार रेस। और स्पिंडल फाइबर्स बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, जिससे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, खींच सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं अगर आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे कि एक माइक्रोट्यूब्यूल ये हो गया और दूसरा, सॉरी, एक सेंट्रियोल ये हो गया, दूसरा सेंट्रियोल ये हो गया। अब पहले क्या था, सेंट्रियोल ऐसे ऐसे थे, पहले सेंट्रियोल कुछ ऐसे थे, अब ये सेंट्रियोल थोड़ा दूर दूर चले गए, ठीक है, अब ये सेंट्रियोल थोड़ा सा दूर दूर चले गए, अब ये दो माइटोटिक पोल बन गए, पहला माइटोटिक पोल और दूसरा माइटोटिक पोल। अब इन माइटोटिक पोल्स से मैंने पहले बोला था सेंट्रियोल से क्या रिलीज होते हैं, सेंट्रियोल से रिलीज होते हैं आपके स्टार रेज, मतलब रेज स्टार्ट होती है। ओके, तो अब इनकी स्टार रेज देखिए, ठीक है, इनकी रेज बनती है। अब ये जो रेज होती है बेटा, इन रेज से क्या होता है कि फिर धीरे 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 स्पिंडल फाइबर अपरेटस का फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे स्पिंडल अपरेटस बन जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे से रेडिएटेड होते हैं। अब देखिए कहाँ से गया ये, अब इनकी जो रेज है सेंट्रल यहाँ से निकलती हुई, दे मूव कहाँ करती है, सेंटर पोर्शन पे। यहाँ की इसकी जो स्टार रेज थी, अगर आप देखेंगे यहाँ की जो स्टार रेज थी, ठीक है, अगर आपकी यहाँ की जो, जैसे अगर आप देखेंगे, मैं अंडू करता हूँ, देखिए यहाँ की जो स्टार रेज थी ये मूव कर रही है और सेंटर की तरफ जाती है, ठीक है, यहाँ की जो स्टार थी मूव करती है और सेंटर की तरफ जाती है। क्लियर? और ये बन गया पूरा स्पिंडल फाइबर एपरेटस और ये सेंटर पार्ट हो गया, ये सेंटर पार्ट हो गया, ये सारे बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल में, इसमें क्या होता है कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है। तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्या होता है कि जब सेल का डिवीजन होता है तो सेल्स का सब कुछ गायब हो जाता है, सिर्फ क्या बचते हैं उसमें क्रोमोसोम और आपके सेंट्रियोल्स। तो सारे क्रोमोसोम क्या करते हैं, इनके ऊपर अलाइन हो जाते हैं ऐसे, सारे क्रोमोसोम क्या होते हैं इनके ऊपर अलाइन हो जाते हैं। और जब क्रोमोसोम इनके ऊपर अलाइन हो जाते हैं तो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या होता है, इन जो ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में बेसिकली इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है, और कॉन्ट्रेक्शन जब इन माइक्रोट्यूब्यूल में कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल में कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये सेंट्रियोल की तरफ खींचे हुए आते हैं। अब इनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो कॉन्ट्रेक्शन ये अब क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन है तो सारे क्रोमोसोम एक दूसरे की तरफ खींचे हुए आते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा स्पिंडल एपरेटस है जो कि स्टार रेस से बना है, ठीक है, समझ में आ गया। मैं यहां से अभी इसको रब कर देता हूं, तो ये ध्यान रखिएगा ये दो सेंट्रियोल से ये दो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए और उन्होंने माइटोटिक पोल बना दिया। अभी माइटोटिक पोल से माइटोटिक डिवीजन होता है, सेंट डिवीजन होता है, जिससे कि स्टार रे से स्पिंडल एपरेटस बन जाता है बीच की तरफ। ये क्या पिच है, देखिए ये क्या पिच बन गया, देखिए ये पूरा पिच है जहां पे सेल डिवीजन होगा, इस पिच के ऊपर सेल डिवीजन हो गया। तो सेंट्रियोल्स क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन के लिए पिच, मतलब जैसे क्रिकेट का पिच होता है जहां पे का पिच बना दिया, अब तुम खेलो, ठीक है, अब सेंट्रियोल ने कहा मैंने तुम्हारा पिच बना दिया, अब क्रोमोसोम तुम खेलो। अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम, यहाँ पे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो सेंट्रियोल्स का काम था पिच बना दिया, ये पूरा पिच बन गया, देखिए ये पूरा का पूरा पिच बन गया है। क्लियर? सेंट्रियोल्स बेसिकली क्या होते हैं, सीलियन फ्लेजिला को भी जनरेट करते हैं लोअर एल्गी के अंदर, और इसको हम बोलते हैं सीलियोजेनेसिस, बिकॉज ऑफ दिस दे आर ऑल्सो कॉल्ड ए बेसल बॉडी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपके एल्गी तो यूकेरियोटिक ही होते हैं। आप कुछ नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा क्वेश्चन ध्यान रखना है कि सेंट्रियोल दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। मैंने बोला है कि सेंट्रियोल बेसिकली प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, सॉरी एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एबसेंट होता है, बट एनिमल सेल में भी न्यूरॉन्स में एबसेंट होता है। न्यूरॉन्स में एबसेंट होने की वजह से न्यूरॉन्स एक बार अगर खत्म हो गए फिर डिवाइड नहीं कर पाते, बिकॉज न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल्स आपका एबसेंट होता है। इसके अलावा सेंट्रियोल्स बेसिकली एबसेंट होता है प्लांट के अंदर,
प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ईस्ट के अंदर और डायटम्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जनरली क्या है कि और अगर एल्गीज के अंदर प्रेजेंट है बट डायटम्स के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है, क्लियर। न्यूरॉन्स मैंने बोला नर्व सेल्स के अंदर नहीं होता है, दैट्स व्हाई डिवाइड नहीं कर पाते। सेंट्रियोल्स आर अ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, देयर इज अ प्रोटीन। सेंट्रियोल्स में क्या होता है कि एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। अभी मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, इसमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। हाँ, जब बाद में सेंट्रियोल्स की ग्रोथ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो फ्लेजिया और फ्लेजिला तो मेम्ब्रेन कवर्ड होते हैं, बट सेंट्रियोल मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। तो दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, एक राइबोसोम, दूसरा सेंट्रियोल। सो ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, बट इनमें एक प्रोटीन डेंस मटेरियल होता है इनके चारों तरफ, जिससे कि ये अपने आप को नए सेंट्रियोल जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या खुद का डीएनए नहीं होता है, इनके पास डीएनए नहीं होता है। तो इनके चारों तरफ एक प्रोटीन डेंस मटेरियल होता है, जिससे कि न्यू सेंट्रियोल्स को जनरेट करने में, ओरिएंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो हमने आज जो हमने स्टडी किया सीलिया और फ्लेजुला और सेंट्रियोल्स के बारे में, ऑलमोस्ट कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, देख सेंट्रियोल से जब सीलिया फ्लेजुला बन रहा है, सेंट्रियोल्स का 9+0 अरेंजमेंट है और सीलिया फ्लेजुला का 9+2 अरेंजमेंट है, तो 9+0 ही 9+2 को ओरिजिनेट करता है, ठीक है। जनरली अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो आते हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ओके। और जो मैंने एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट्स बताए आपको नेट में, इसके कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ एब्सेंट होता है, सीलियोजेनेसिस क्या है, किन में सीलियोजेनेसिस होता है, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। सो कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीटेटिवली हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड फिर भी आपको क्वेरी हो तो आप ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन कमेंट टू मी, इवन यू कैन कॉल टू मी, यू कैन व्हाट्सअप टू मी, यू कैन पुट ए मैसेज ऑन फेसबुक, जहाँ भी आपको सुटेबल लगे आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, ओके। सो फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपने आपको स्ट्रांग रखिए, कोई भी अगर बाधा है, कोई भी ऑब्स्टेकल आए, इवन कोई प्राइवेट अगर आपको लगता है कि कुछ प्राइवेट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप स्टडी नहीं कर पा रहे, देन यू कैन ऑल्सो डिस्कस इफ़ यू परमिट टू योर सेल्फ। अगर आपको ठीक लगता है, इफ यू लाइक, देन यू कैन डिस्कस ओपनली, ओके। सो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।